भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया भाई के तत्वावधान में रविवार को के बनी माटी के लाल का सेमीफाइनल सिविल लाइन स्थित एक मैरिज हॉल में किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने संस्कार, चौथा, फागुन, गारी, सोहर आदि गीतों की अनुपम प्रस्तुति की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाई के क्षेत्रीय निदेशक राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि 28 अक्टूबर को फाइनल होना है, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को 25,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने बताया, तो अब हम बुलाते हैं नीलू मथेसिया, नीलू मथानी, झूठी मुठ में आदमी सूरती के बुरा कहला, आप लोगों से गलती देहले बढ़िया हुआ फुल बात है। Bye.
भोजपुरी के लुप्त हो रही संस्कृति को पुनः संरक्षित और इसको फिर से विकसित करने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, के बनी माटी के लाल। इस कार्यक्रम में जो हमारी लुप्त हो रही गीत है, जैसे सोहर, कटनी, माटी कुड़वा, हरदी, लावा मिलाई, हर तरह के जो गीत हैं वो जो लुप्त हो रहे हैं उनको फिर हम लोग उसको पुनर्जागृत कर रहे हैं और इन्हीं को लेकर हम लोग प्रतियोगिता कर रहे हैं। यह आज जो हम लोग का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये सेमीफाइनल ऑडिशन हो रहा है। इसमें लगभग हम लोग 25 बच्चों को चुने थे और इनको में से जो चुना जाएगा उनको मेगा फाइनल में हम लोग ले जाएंगे। 28 अक्टूबर को हमारा मेगा फाइनल हो रहा है और मेगा फाइनल में जो विजयी होगा उसको हम लोग 25,000 रुपये देंगे। ये हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग की जो भोजपुरी संस्कृति है पुनः एक बार सम्मान मिले, क्योंकि भोजपुरी में इधर द्व्यर्थी गीत और अश्लीलता का इतना भरमार हो गया है कि भोजपुरी से हर लोग परहेज करने लगे हैं। हमारी कोशिश है कि अब भोजपुरी घर घर बजे, अपने परिवार के साथ हम लोग भोजपुरी बैठकर सुने, गावें, यही हम लोग का उद्देश्य है।